अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद सफियान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12, चैप्टर 1। टॉपिक चैप्टर 1 में तीन मेन टॉपिक्स हैं। नंबर 1, फंक्शन। नंबर 2, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन और नंबर 3 है जी कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। फंक्शन ये तीन मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर। तो आज का पहला चैप्टर हमारा फंक्शन टॉपिक है, फंक्शन। मैं आपको बताऊंगा फंक्शन को इंट्रोड्यूस किसने कराया, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें मेन जो टूल है वो है डोमेन और रेंज वो क्या है, और इसकी नोटेशन क्या होगी, और इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी। ठीक है, इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। द टर्म फंक्शन फर्स्ट टाइम इन 1673 द टर्म फंक्शन इंट्रोड्यूस बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर। इन 1673 जर्मन मैथमेटिशियन ने ये टर्म फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया, और उन्होंने बताया कि दो क्वांटिटी के आपस में डिटरमिनेंट्स डिपेंडेंस क्या है। तो हम देखते हैं लेबनीज ने फंक्शन की टर्म को यूज़ करते हुए दो वेरिएबल के दरमियान डिपेंडेंस किस तरह शो किए। तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हम देखते हैं, आइएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल area of a circle depends on its radius r, that is a is equal to pi r square. Is we say that a is a function of r. इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज देके, इफ वी चेंज वी टेक वैल्यू ऑफ आई आर इज इक्वल टू 1 देन बाई 1 ए बिकम्स पाई इन टू आर की वैल्यू 1 रखें तो ये आ जाएगा पाई। इफ यू टेक आर इज इक्वल टू 2 देन ए बिकम्स पाई इन टू 2 स्केयर तो ये बन जाएगा 2 पाई। सिमिलरली अगर हम आर की वैल्यू 3 लें तो यहाँ 3 प्लेस करें इक्वेशन 1 में तो पाई इन टू 3 का स्केयर तो इट मीन्स क्या बन गया, 9 पाई बन गया। तो इट मीन्स हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आर की वैल्यू चेंज करते हैं तो ए की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आर की एक वैल्यू के लिए हमारे पास ए की भी एक ही वैल्यू आती है। अगर आर हमने 1 लिया तो ए पाई बन गया, अगर आर हमने 2 लिया
तो ए 4 पाई बन गया, और अगर हम आर 3 लेते हैं तो ए क्या बन जाता है, 9 पाई बन जाता है। तो आर हम चेंज करते हैं तो ए की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ए डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे। तो हेयर आर आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और ए क्या बनेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक और एग्जांपल देखते हैं, एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्केयर डिपेंड्स ऑन इट्स साइड, लेंथ ऑफ साइड, बिल्कुल ऑन लेंथ ऑफ साइड दैट इज ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर। स्केयर की तमाम साइड इक्वल होती हैं तो आपके पास एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर बन जाएगी, आपका फॉर्मूला आ गया। आई इफ वी टेक वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ए 2 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, एरिया बिकम्स 4। इफ यू टेक वैल्यू ऑफ 3, एक्स की वैल्यू हम 3 लें तो ए क्या बन जाता है, 3 स्केयर इज इक्वल टू 9। इफ वी टेक एक्स इक्वल टू 4 तो देन ए बिकम्स 4 स्केयर इज इक्वल टू 16। एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ए की भी हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है, तो एक्स हम चेंज कर रहे हैं तो ए भी चेंज हो रहा है। तो फिर ए किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक्स आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी कि आप ए किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। हम एक्स की वैल्यू चेंज करते जाएँ, ए की एरिया भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सो ए डिपेंड्स वैल्यू ऑफ एक्स पे कर देता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3 देखें। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस आर, दैट इज वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर वी इज अ फंक्शन ऑफ आर। तो v किसका है, r का फंक्शन है। वी से दैट v इज अ फंक्शन ऑफ r। इफ वी चेंज वैल्यू ऑफ r इज इक्वल, टेक द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास v क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 1 क्यूब। आपके यही है तो 4/3 पाई आ जाएगा। अगर हम r की वैल्यू 3 ले देते हैं तो v क्या बन जाएगा, 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4/3 तो 27 पाई, और कैंसिल कर दें तो ये आपका 36 पाई बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं जिस तरह हम आर की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो वी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। सो आर इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वी इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यही कंसेप्ट हम यूज़ करते हुए फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि दो वेरिएबल आपस में कैसे फंक्शन में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तौर पर यूज़ होते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे चले जाते हैं। जो अगली बात, पहले तो हमने बताया आपको कि फंक्शन की टर्म को इंट्रोड्यूस किसने कराया, फिर उनकी अपने डिपेंडेंस आपस में देखी। अब आए इस कंसेप्ट को हम डेफिनेशन के अंदर यूज करते हैं। फंक्शन क्या है, लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, empty sets, then f is a rule which associate each value of x with unique value of y. वैल्यू ऑफ y, इसमें दो हमारे पास वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ईच एंड यूनिक। पहले देखिएगा, नोट करें, सेट x इज कॉल्ड, सेट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f
domain of f. Number two, set y is called codomain of f. Number three, those values of f y which are images of some element of x is called range of f. दोज वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वो वैल्यू जो एक्स के इमेज होंगे वो क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी. इन तमाम कंसेप्ट को हम डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम कोई फंक्शन कंसिडर करते हैं, ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, इसके एलिमेंट्स लेते हैं 1, 2, 3, 4 और ए वाई के एलिमेंट ए बी सी डी. एफ रूल है को जो एसोसिएट करेगा 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ, 4 को डी के साथ. एफ इज़ अ रूल विच एसोसिएट ईच वैल्यू ऑफ सेट एक्स विद द यूनिक वैल्यू ऑफ सेट वाई. तो देन एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई. तो हेयर डोमेन ऑफ एफ, आप देखिए इसके एग्जाम्पल के अंदर हम देख रहे हैं कि एक्स की ईच हर वैल्यू एसोसिएट कर गई हुई है y की किसी एक वैल्यू के साथ. 1 का इमेज क्या है, a है, 2 का इमेज क्या है, b है, 3 का इमेज क्या है, c है, 4 का इमेज क्या है, d है. तो हम डेफिनेशन में भी ये कहा था कि x की हर वैल्यू को लिंक करना चाहिए y की एक वैल्यू के साथ. तो यूनिकनेस आ रही कि 1 a इमेज किसका है, 1 का है, b इमेज किसका है, 2 का है, c इमेज किसका है, 3 का है, d इमेज किसका है, 4 का है. तो ईच वैल्यू ऑफ एक्स आपकी एसोसिएट हो चुकी है यूनिक वैल्यू ऑफ वाई के साथ. सो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई. तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, हेयर डोमेन ऑफ एफ आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4. इसी तरह आप ये डोमेन लिख सकते हैं, इस तरह डोमेन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. रेंज ऑफ एफ वो क्या है, ए बी सी और डी आ जाए, ये फंक्शन है. एक और एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास अगर फंक्शन आ जाता है 1, 2, 3, 4 और दूसरी वैल्यू क्या बन जाती है, ए बी सी डी ई, और ये हमारे पास एफ इज अ रूल. ये जी ले ले, कोई सेट नाम लीजिए, सेट एक्स है, ये वाई है, ए एसोसिएट विद बी, ए 1a 2b 3c 4d. अब है ये भी फंक्शन है, एक्स की हर वैल्यू एसोसिएट हो चुकी है वाई की ईच वैल्यू के साथ, लेकिन आप देख रहे हैं कि वाई के अंदर एक एलिमेंट क्या है, वो किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो सका. तो हमारे इसमें फिर क्या हो जाएगी, रेंज और कोडोमेन. सेट वाई इटसेल्फ क्या होगा, वो ये कोडोमेन है, और सेट एक्स क्या है, ये डोमेन है. रेंज चेंज होगी इस एग्जांपल के अंदर. डोमेन ऑफ आपकी क्या बन जाएगी, इसमें डोमेन तो आपके पास है 1, 2, 3, 4 है, रेंज आपकी इसमें चेंज हो चुकी है. रेंज क्या है, ओनली ए बी सी डी. जब कोडोमेन इसकी क्या है, कोडोमेन चेक करें तो वो बन जाती है आपके पास ए बी सी डी ई, ये कोडोमेन आपकी. तो आपने देखा कि दोज वैल्यू ऑफ वाई विच आर इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन. जो लास्ट बात हमने लिखी थी, दोज वैल्यू ऑफ वाई विच आर द इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ. जो वाई के एलिमेंट एक्स के साथ लिंक कर जाएंगे वही डोमेन रेंज होगी, बाकी का एलिमेंट क्या होंगे, वो कोडोमेन के एलिमेंट होंगे. तो उम्मीद है आप ये देखिए, आप यहाँ से पहला तो आपका क्या होगा, फंक्शन था, दोनों की रेंज और डोमेन क्या थी, सेम थी. फिर दूसरी एग्जांपल हमने देखा कि ये पहला आपका रेंज डोमेन तो वही रहेगी, लेकिन रेंज चेंज होगी, कोडोमेन और चीज़ है, रेंज और है.
तो लास्ट इसके बाद देखिए किन सूरतों में ये फंक्शन नहीं होगा, वो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। आइए गाइस हमारे पास आ जाए, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सेट एक्स आप उसी तरह ले लें, सेट वाई आप ले लें, और एफ इज अ रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। अब आप वन को ए के साथ लिंक कर दें, टू को बी के साथ, थ्री को सी के साथ। अब ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्यों? डेफिनेशन में कहा था हमने कि ईच वैल्यू ऑफ एक्स को आपका एसोसिएट करना चाहिए। यहाँ फोर एलिमेंट है जो वाई के साथ लिंक नहीं कर रहा, तो लिहाजा इसका हर एलिमेंट लिंक नहीं कर चुका, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है माय डियर। इसके बाद अगली एग्जांपल देखते हैं जिसमें फंक्शन ही होगा, वो आप किसी तरह वन टू थ्री, और ये आप सेट एक्स है, ये सेट वाई ले लें, तो आपके ए बी सी वन इसके साथ लिंक कर जाए, आपके पास इसके साथ लिंक कर जाए, टू सी के साथ आ जाए, ये डी इसके साथ दे। तो अब आप इस सूरत में देख रहे हैं कि वन आपका क्या है, वो ए के साथ भी लिंक कर रहा है, बी के साथ भी, तो वन के दो इमेज आ रहे हैं, एक वैल्यू के दो आप इमेज आ रहे हैं, वन का ए भी है, वन का बी है, तो एक से दो वैल्यू आ रही है, तो आप इसमें यूनिकनेस नहीं पाई जा रही। तो इस केस में भी ये फंक्शन नहीं है, आपकी यूनिकनेस नहीं पाई जा रही। इसको आप कुछ इस तरह भी देख लेते हैं, मसला हमारे पास ये एक फंक्शन हम ले लेते हैं, आमतौर पर कंसिडर कर लें, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, पॉलीनोमियल फंक्शन में आ जाते हैं। अगर हम x को एक वन वैल्यू देते हैं तो y आपका क्या आ जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा। अगर हम x को टू वैल्यू दें तो y हमारे पास बन जाएगा, y बिकम्स टू प्लस वन थ्री। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, y अपटेन ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू अपटेन करेगा। x की वन है तो y की टू हो जाती है, x टू है तो y थ्री हो जाता है। ईच वैल्यू ऑफ x, y भी क्या हमारी एक यूनिक वैल्यू आ रही है एज में, तो ये फंक्शन है। अगर हमारे पास ये ले लें एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र, अगर हम यहाँ पे एक्स को वन वैल्यू दें तो वाई स्क्र इज इक्वल वन क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। तो एक्स की कितनी वैल्यू बन गई, प्लस माइनस टू ले लें ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ये टू रख लें। टू का स्क्र क्या होता है, तो हमारे पास एक्स स्क्र, तो ये बन जाएगा टू एक्स, सॉरी ये लिख लें, तो ये बन जाएगा फोर। वाई स्केयर इज इक्वल टू बन जाएगा फोर, तो वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस माइनस टू। तो हमारी एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की कितनी आ रही, दो वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पे वो यूनिकनेस नहीं है कि एक टू के लिए वाई की कितनी वैल्यूज आ रही, दो वैल्यू आ रही हैं, तो लिहाजा इसमें यूनिकनेस नहीं पाई रही। तो यहाँ पे एक्स आपका फिर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वाई क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। सेम केस ये है कि आपके एक्स की वन वैल्यू के लिए उसकी वाई में कितनी आ रही, दो इमेजेस आ रही हैं, तो लिहाजा ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं फंक्शन, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट लिंक नहीं कर सका और यहाँ एक के दो इमेज जनरेट हो रहे हैं, तो इन दो केस में ये फंक्शन नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, तो इंशाल्लाह इन तमाम की एप्लीकेशन हम एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।